बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया में खासा नाम रखने वाले बदन सिंह बद्दो की मेरठ स्थित कोठी जमींदोज होने के बाद आज उसके खासे करीबी डिपिन सूरी ने पुराने मामले में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डिपिन सूरी पर बदन सिंह बद्दो को भगाने में सहयोग करने का आरोप है। बद्दो पर शिकंजा कसने के साथ ही विपिन समेत उसके कई करीबियों पर पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है कि अब जल्द ही कुछ बाकी करीबी भी पुलिस से बचने के लिए जेल जाना ज्यादा बेहतर समझेंगे। बता दें कि 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो 28 मार्च 2019 को फरार हो गया था। बदन सिंह की फरारी उस वक्त हुई जब मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, यानी सुरक्षा के खासे इंतजाम थे और दावा किया जा रहा था कि पुलिस की नजर पत्ते पत्ते पर है। फरारी के बाद बदन यहां अपने सहयोगी के घर आराम से रहा और फिर दिल्ली के रास्ते फरार हो गया। बदन सिंह फरार हुआ लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने की ज्यादा जहमत नहीं उठाई। 2 साल होने को आ गए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभिषेक कुमार के जनहित याचिका दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस प्रशासन के आला अफसरों को तलब किया, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी और बदन सिंह की कोठी को जमींदोज कर दिया गया। आज उसके एक करीबी डिपिन सूरी ने अदालत में समर्पण कर दिया। इस बारे में अधिवक्ता नीरज तोमर ने यह जानकारी दी। मैं नीरज सोमो विशेष लोभ अभियोजक गैंगस्टर कोर्ट में हूँ। सर, आज एक अपराधी ने अपने आप को कुख्यात अपराधी ने सरेंडर किया, कौन है, क्या प्रोफाइल है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? ये डिपिन सूरी ने आज मुकदमा अपराध संख्या 740/2020 गैंगस्टर की धाराओं में जो वांछित चल रहा था ब्रह्मपुरी थाने से, ये बदन सिंह बद्दो और पपीत बड़ला, तीन लोगों का ये गैंग था, जिनमें से पपीत बड़ला जेल जा चुका है पूर्व में। ये काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था तो पुलिस के दबाव से इनने 1 तारीख में सरेंडर एप्लीकेशन मूव की थी कोर्ट में, जिसमें आज की डेट थी, जिस पर ये आज जेल चला गया। सर, कब से वांछित था, कितने मुकदमे ऐसे हैं इनके खिलाफ? 2 मुकदमे हैं बद्दो को भगाने के, अवैध संपत्तियों के, इनके अवैध संपत्तियों की जाँच भी चल रही है। सर, अभी इसमें कितने आरोपी और सरेंडर होना बाकी है? बस इसमें 3 ही लोग हैं, एक बदन सिंह बद्दो जो फरार चल रहा है, बस वही एक बचा है, बाकी एक पपीत बड़ला जेल जा चुका है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।